जयंत सर, कांस्टेबल नरेश बोल रहा हूँ सर। कहाँ पे है तू? अभी साहब नौखा के लगभग गाड़ी आई सर, तो नौखा वापस आ पे। जा, हाँ जहां भी है वापस आ जा और सीधा मेरे से मिलना आके। क्या जी साहब, हुआ था वहां पे? क्या अब मेरा और गार्ड कमांडर का थोड़ा झगड़ा हो गया था। हो गया था झगड़ा? वो एक गए थे सर बाहर, अपना ESIJD, वहाँ PQ है जो, रात के 9:30 बजे वापस आए तो मैं एंट्री के लिए बोला, तो वो साहब बोले, मेजर बोले कि आप इतना क्यों इनकवरी कर रहा है, और गाली दिया तो तू तू मैं हो गया, अच्छा, और और कुछ नहीं सर। तू अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता नहीं साहब, है? नहीं साहब के बच्चे, अब तू वापस आ जा, तेरे को मैं बताता हूं। तो अपने आप को गुंडा समझता है क्या? नहीं सर, चुपचाप ना, अगर जा तो कैंपस में जा, नहीं तो अपनी मर्जी कर और तैयारी कर ले अपने घर जाने की। तो अपने आप को गुंडा समझता है? नहीं, अगले स्टेशन पे उतर के आता हूँ साहब। हाँ ना, अब तो और तेरे को घुसने भी नहीं देगा वहां, जाके भी देख ले तू। नहीं, ये नौका आ रहा है सर, कंट्रोल रूम बताया नहीं, कि और तू अब ध्यान से आइयो यहाँ पे, मैं तेरे को बता दिया। सर। हाँ आजा, तेरी मैं हेकड़ी निकालता हूँ सारी, वापिस आ तुम। जैन सर, हेलो। जैन सर, हाँ जैन, कौन? कांस्टेबल नरेश बोल रहा हूँ सर। नरेश क्या कर रहा है यार ये? ये नहीं साहब, मेरे को दुखी कर दिया साहब, तीन भाई तीन बार, हर क्यों बार आदमी बोल रहा है राइफल कॉक के, आज किया हूँ साहब, कॉक कॉक, आपने आवाज सुन लिया ना भाई, साहब? सुन भाई, सुन सुन, नहीं साहब, गलत है साहब। नहीं गलत, सुन। पहले हर चीज का बात होता है, बैठ के होता है, ये कोई तरीका नहीं हुआ। तेरे अरे फैमिली है यार, क्या गलत, ये क्या गलत कर रहा है तुम? सुन, हम बात करेंगे, मेरे साथ बात कर तू। हेलो नरेश, नरेश अभी कुछ नहीं हुआ बाबू, अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? हम बात करते तुमसे, हम आ रहे हैं तुम्हारे तरफ। साहब, हाँ आप बताओ साहब। हम आ रहे हैं तेरे तरफ, आ रहे हैं हम। नहीं साहब, नहीं आप बता रहा, नहीं है, पागल है क्या? नहीं साहब आप बता रहा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के आप बता रहा। नहीं सुनो सुनो सुनो, अरे पागल, ये सब चीज नहीं करना, बेवकूफ। हर चीज ऊपर नीचे होता है, हर चीज। आप आए तो मैं मर जाऊंगा साहब, नहीं नहीं ए, गलत चीज, गलत चीज, आप आए तो मैं मर जाऊंगा सर, आप बता रहा, वही रहना। ना ना ना, ये गलत काम मत करना, ये गलत काम मत करना। हर कोई बोल रहा है कि नरेश कॉक कर रहा है, को आज किया नरेश कॉक, जिसको बताना है वहां बताओ, डीजी को बताओ, अरे कुछ आप नहीं, बताना साहब अभी। नहीं अपने स्तर पे होगा तो आप बताना इधर। बात तो कर भाई। नहीं साहब, मैं बात करने लायक नहीं हूँ अभी, मेरे से बात मत करो साहब आप। नहीं, सुनो 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 सुनो, एक बार बात करो, सुनो, ये सब कुछ अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ा है। नहीं, मेरा तो जो होना है वो हो गया साहब। नहीं कुछ आप नहीं अभी अभी हुआ, कुछ आप नहीं मेरे हुआ, मैं मोदे आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, आप मेरे पास मेरा मत आओ। विश्वास करता है भाई, तो तू मेरे साथ चल, हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे, तुमको कुछ नहीं होने देंगे, ये नहीं साहब, मैं नहीं, मुझे जो होना है वो हो चुका है, अभी आप आराम करो साहब, मुझे मेरे पास मत आओ साहब। ये बेवकूफी मत कर भाई, प्लीज। साहब अभी आप मेरा वर्मा जी भी बोलेगा ना, तो बेवकूफी मत करो, मैंने बेवकूफी कर चुका हूँ, अभी आप मैं समझने वाला नहीं हूँ साहब। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपया करके, इतने बड़े अधिकारी हो आप और सर्वे सर्वोपरि हो आप, ना किसी को दुख देते हो, मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप मत आना। दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। कुछ नहीं बिगड़ा आप है, मत कुछ आना। और ये DIG जो धमकी दे रहा था ना मेरे को, तेरे को घर भेज दूंगा बिना जांच पड़ताल के, उसका मैं ऑडियो भेज दिया हूँ ग्रुप में, और मेरी औरत यार, भी आज यही है मिलने के लिए। मैं 4 दिन से परेशान हूँ, मेरे को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक खड़े रख रहे हैं, रोज DIG से मिला रहे हैं, DIG से मिला रहे, कभी नहीं मिला है कोई, ये अर्जुन से और गौरव मनाली, अरे कुछ नहीं मैं इससे रिलीफ का होता, देता हूँ, तो मेरे को सूरतगढ़ भेज दे रहा है, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ आउट पास दो, तो तेरा जांच चल रही है। हर बार उसका कॉक, आज गया हूं मैं कॉक, अब निकल के बताओ, अब अरे निकल के बताओ, देख, सुन सुन, नहीं आज निकल के बताओ कोई बार, हर चीज का हम नहीं तेरे कोई लगाएंगे कोई हल नहीं है, आज निकल के बताओ। तो फिर का ये समाधान आप नहीं है हेलीकॉप्टर मंगाओ, टिकड़ा मंगाओ, फलाना मंगाओ, मैं भी 8 साल ब्लैक बेल्ट किया हूँ और 1 साल सीआरपीएफ कॉलेज यूएससी, भाई। 9 साल हूँ, अरे और देख, जो काला मुंह पे लेके घूम रहा ना, मेरा नहीं 100 किलो का बोरी है जा रही DIG गाड़ी, जिसमें साइकिल नहीं है। नहीं हम जा रहे हैं,
हम जा रहे हैं तेरी तरफ, बिना हथियार के हैं हम। मेरी तरफ आने की जरूरत नहीं है साहब, आप कृपया करके मेरी तरफ नहीं आए। हम बिना हथियार के आ रहे हैं तेरे को मारने से, मेरे को मारने से। अगर तेरा तो मेरे दरवाजा नहीं खुलेगा साहब, मेरे दरवाजा जो खुलेगा वो मरेगा। तू वो हम बोल रहे हैं, तू बात बात नहीं करेगा। मेरा जो दरवाजा खोलेगा वो मरेगा। हम बोल रहे हैं क्या, हमसे तुम बात करो बस, हम तुमको डीआई साहब से मिलवाएंगे और गारंटी लेते हैं डीआई साहब कुछ क्या नहीं करेगा। पांच दिन हो गए साहब, कोई नहीं मिलवा रहा है वहाँ, रोज खड़ा रख रहा है गौरव मनाली और अर्जुन, आपने जे और ऐसा मना रखा है इनको, चोरों को। भाई सुन, वो नहीं साहब, मैं कट कर रहा हूँ साहब आपका फोन। अभी मेरे साथ बात करेगा सुन सुन तो साहब, भाई सुन, मेरे साथ अभी बात करेगा? नहीं साहब, मैं आपको सर्वोपरि मानता हूँ, आपको मानता हूँ, आपका मेरा साहब को मानता हूँ, प्रमोद साहब को मानता हूँ, ये सर्वोपरि है। हम मगर ये ऐसे गंद आ गए जो बीएचएम और गौरव मनाली, और ये अपना बीएचएम तो ठीक है मगर अर्जुन और ये गौरव मनाली आ गए तो साहब मैं कुछ नहीं कर सकता साहब। कभी मैं इससे निकाल देता हूँ, सूरतगढ़ भेज दे रहे, 11 किलोमीटर मेरा घर है यहाँ से। इससे पहले मैं आउटपास का दिया, मेरा आउटपास दे दिया, आज दिन में बोला 3 बार थक लिया तो सर से पानी निकल गया सब, 4 फायर मैं कर चुका हूँ। इसके बाद उसको डीआईजी को बोल दो भूपेंद्र को आजा। हम क्या नहीं, डीआईजी को बोल दो भूपेंद्र को तो तू आजा, सुनो भाई संभाल लूंगा, बिना जांच पड़ताल के मुझे बोल रहा है तू आजा, मैं तेरे को घर भेज दूंगा, मैं तो घर जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे नहीं होता है, कोई ऐसे नहीं भेजता यार घर। नहीं वो बोला ना, ऑडियो मिला साहब आप ग्रुप में देखो, ऑडियो देखो। कौन से ग्रुप में भेजा है? अपना आरटीसी ग्रुप में देखो, भूपेंद्र साहब मेरे से क्या बात की है, बोला ट्रेन से उतर जा, मेरे बाप की ट्रेन में है क्या वो, जो मैं उतर जाऊँ नीचे साहब, स्टेशन आएगा मैं उतर जाऊंगा, जहाँ भेजा वहाँ मैं गया, वहाँ वहाँ से वापस आया, यहाँ आया, यहाँ के बाद मैं आउटपास का दिया 2 घंटा भी नहीं दिया, उसके बाद आज दिया, संडे को दुनिया गई, बैंक यूपी बिहार वाले गए और नरेश कुमार 11 किलोमीटर वाला नहीं गया। नहीं नहीं सुन भाई, नहीं साहब आरटीसी बंद होगी अभी, जो भी तुम्हारा दिक्कत है वो बात करके। नहीं उसे क्या, 4 दिन हो गया साहब उसे मिलने के लिए, मातर चौधरी मिला नहीं रहे। नहीं नहीं हम मैं सिविल ड्रेस हूँ मैं उस, नहीं अभी तो फायर होने के बाद आप तो मिलाओगे साहब। नहीं सुन सुन, नहीं नहीं पढ़ते नहीं, पता नहीं होता इतना भी, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ साहब। अरे कुछ नहीं बिगड़ा है, हम बोल रहे कुछ नहीं बिगड़ा है किसी, मेरा तो और बिगाड़ दो साहब, मेरा तो और बिगाड़ दो यार, बात खराब। आरटीसी बंद होनी चाहिए साहब, मेरे तो अनुमान से यही है, बात खराब मत। ये देखो बात खराब करो साहब, मैं आपको सर्वोपरि मानता हूँ साहब, मैं आपके पास 8 महीना अपना फर्स्ट विंग मैसी पे का आपके पास कई बार खाना चेक कराने आया साहब। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हम बोल रहे हैं, तो तू इतना सही काम कर रहा है। नहीं नहीं अब नहीं करेगा साहब, अभी ये सुशील साहब है ना, ये प्रमोद साहब से चलता है तो मेरे को क्यों जला रहे साहब, मैं छोटा कर्मचारी हूँ। अरे नरेश मेरी बात सुन, हम यहाँ 2 अधिकारी बैठे हैं, तो बेवकूफ मत कर। देखो नहीं 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 नहीं, आपने बेवकूफ अभी नरेश कुमार ने एक बार कर दिया तो बेवकूफ करेगा, ऐसा नहीं करते समझे। देखो जिंदगी है तो जान है, एक नहीं जिंदगी है तो जान नहीं है, जिंदगी तो मेरी जंट कर दी साहब आपने। अरे ठीक है यार, आप है ना इंसान, अन्य परिस्थितियों से लड़ता है दोस्त, अभी ऐसे परिस्थितियों से लड़ना, मैं परिस्थितियों से लड़ रहा हूँ साहब, निकलो कोई आओ बाहर आओ, चुगल को रात ही गोली मारता हूँ साहब, चुगल को रात ही गोली मारता हूँ, नहीं तो मेरे सामने कितने अपना इच्छा पड़े गए, मैं तो राम राम सब राम राम पूछ लो। सुन भाई नरेश, नहीं साहब बिल्कुल नहीं, एक बार सुन भाई, नहीं नहीं नहीं, ये जा रहे हैं देखो मेरे सामने, ये जा रहे हैं भाई, बीवी बच्चे, हाँ मेरे बीवी बच्चों को मेरा काकी ससुर हनीमून बनी वाले है वो संभाल लेगा। अरे यार ये क्या बात हुआ, ये गलती मत कर यार, क्या बात कर रहा है, वो संभाल लेगा साहब। अरे साहब आपसे निवेदन है, मेरे को अभी कॉल मत करो, हथियारों फोन नहीं।